पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है, देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है और साथ ही में फिल्म ने सिनेमा घरों में मजबूती के साथ पकड़ भी बना ली है। वही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जवान की तारीफ करते हुए फिल्म के एक डायलॉग का जिक्र किया। उन्होंने किस डायलॉग का जिक्र किया ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अमृतसर दौर पर केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने जवान फिल्म देखी, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पर वोट मत देना, जाति के नाम पर वोट मत देना, कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि क्या मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरे परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दोगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो ठोक बजाकर ये बात कहती है कि आप हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, और ऐसा करने वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूल शानदार बनाए तो लोग बोले दिल्ली में हो सकता है क्योंकि छोटा राज्य है, लेकिन आज हमें खुशी है कि भगवंत मान सरकार ने वही शिक्षा क्रांति पंजाब में शुरू की है। अब गरीब का बच्चा अमीर जैसे शिक्षा प्राप्त करेगा। हम पंजाब का हर सरकारी स्कूल ऐसा ही बनाएंगे और हर बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे, ये हमारा वादा है और उस वादे को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यही नहीं बल्कि राजनीतिक नेता भी शाहरुख खान की जवान के संवादों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा के कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए शाहरुख खान की फिल्म का जिक्र किया और दावा किया कि इस फिल्म ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के 10 साल के भ्रष्ट शासन को उजागर किया है। तो दोस्तों, अगर ये आपने फिल्म देखी है तो आपको इस फिल्म के ऊपर क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।